मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं लेटर लिख के इस पूरे चीज को उनके सामने रखूंगा कि इसकी जांच हो। और मैं तो अभी कुछ सुना कि अभी भी कुछ कमेटी वगैरह बन रहा है, जो अभी भाजपाई लोग हैं वही उस पर कब्जाए हुए हैं। मेरे हाथ में लेटर है, क्या दिखा सकते हैं? वही जिसका नाम आपने जिक्र किया, पूजा त्रिपाठी जी का ये लेटर आया हुआ है, वो भी फर्जी है जो आप बता रहे हैं। और उसमें सारे लोग फर्जी हैं, मैक्सिमम लोग फर्जी हैं, उस कॉलेज में मैक्सिमम लोग फर्जी हैं। उसका भी हम मांग करेंगे कि बढ़िया ढंग से जाँच हो। मैं सरकार की तरफ अपनी बात को, मैं अपना लेटर पैड लगा करके मैं विभाग को लिखूंगा कि ये जो 29 मामला है, जो 29 बच्चों का एडमिशन हुआ है बगैर नीट दिए हुए, जिसका रिपोर्ट ऑलरेडी मेरे हाथ में है, उसमें दोषी करार दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो भी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है, और 2019-20 सत्र में जो बिना नीट के 29 छात्रों का एडमिशन हुआ है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा हैं। जी बताइए सर, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बोला, मैं भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूर्व से ही देखते आ रहा हूँ, और ये बिल्कुल साक्ष्य भी है, इसका जांच भी हुआ है। राज्यपाल महोदय ने टीम भी गठित किया था और इसकी जांच में ये चीज़ पाया भी गया है, दोषी भी करार किया गया है कि 29 छात्रों का जो नामांकन नीट बगैर नीट दिए, ये तो ऊपर से ही नियम है कि जो नीट पास करेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, और बगैर नीट का एग्ज़ाम दिए हुए 29 छात्रों का एडमिशन हुआ है, और इसका जाँच में भी रिपोर्ट आया है। तो जांच में रिपोर्ट आया और अभी तक इस पर मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं हो पाया है। तो मैं, अब मेरी सरकार भी है मौजूदा समय में, मैं रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है, आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें ऑलरेडी पहले जो न्यूज़पेपरों में जो छपते रहा है वो मेरे हाथ में है। जो रिपोर्ट निकल करके आई है सिवान आयुर्वेदिक कॉलेज में बिना नीट नामांकन पर कार्रवाई का इंतजार, इस टाइप से आया है। जो राज्यपाल महोदय ने टीम गठित किया था उसका भी मेरे पास रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें कुछ हाईलाइट हमने किया हुआ है कि क्या क्या चीज था। देखिए लास्ट वाले पेज पे ये पूरा लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं अपने स्क्रीन पे, टोटल चीजें इसमें दिया गया है और उनको दोषी भी करार किया गया है। देखिए और भी हाईलाइट है हमारे सामने, यहाँ पे टोटल, और इसमें उनको दोषी पाया गया है जो उसके प्रिंसिपल। एक और खास बात है कि जो रिटायर कर जाते हैं जो व्यक्ति, मजे की बात यह है कि अभी भी वो बने हुए हैं, और कौन उनको संरक्षण दे रहा है, अब ये भी जांच की विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जितनी कोर कमेटियां हैं, जैसे सचिव हो गए, अदर अदर पोस्ट पे जो लोग हैं, वो लोग भी का डिग्री जो है वो फर्जी है। अभी सचिव है भाजपा के, जो यहाँ के संजय पांडे जी जो हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, अब वो उस कॉलेज के सचिव हैं। अब ये तो पूरी जांच प्रक्रिया हो। मैं सरकार की तरफ अपनी बात को, मैं अपना लेटर पैड लगा करके मैं विभाग को लिखूंगा कि ये जो 29 मामला है, जो 29 बच्चों का एडमिशन हुआ है बगैर नीट दिए हुए, जिसका रिपोर्ट ऑलरेडी मेरे हाथ में है, उसमें दोषी करार दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो भी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। 7-8 महीने हो गए और कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट राजभवन को सबमिट कर दी गई है, लेकिन 7-8 महीनों के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके क्या मायने हैं? अब ये तो मैं ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा कि क्या मामले हैं, क्या चीज आया है, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में मिला है, जो भी रिपोर्ट मिला है, उस आधार पे, इसमें पेपर का कटिंग्स वगैरह है, टोटल चीज मेरे हाथ में जो रिपोर्ट्स आए हैं उसको मैं सबमिट करूंगा विभाग को, अपने लेटर पैड पर लिख के मैं मांग करूंगा कि जो भी इस प्रकरण में संलिप्त है वो जेल के सलाखे पीछे जाए। इस आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी की पुत्र वधू पूजा त्रिपाठी के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि इनकी डिग्री फर्जी है, ये फर्जी ढंग से जो है ये वहां पर पढ़ा रही हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? मेरे हाथ में लेटर है, क्या दिखा सकते हैं? वही जिसका नाम आपने जिक्र किया, पूजा त्रिपाठी जी का ये लेटर आया हुआ है, वो भी फर्जी है जो आप बता रहे हैं।
और उसमें सारे लोग फर्जी हैं, मैक्सिमम लोग फर्जी हैं, उस कॉलेज में मैक्सिमम लोग फर्जी हैं, उसका भी हम मांग करेंगे कि बढ़िया ढंग से जांच हो और जांच करके जो दोषी है उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी? आपने बताया कि आप सरकार में हैं इस मामले में। मौजूदा समय में तो सरकार में आप जिला अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। इसको लेकर के क्या आप आगे तेजस्वी जी से किसी प्रकार की बात करेंगे, आगे क्या कार्रवाई? मैं इसीलिए रखा हूँ और मेरी दायित्व भी बनती है, एक अच्छा काम होना चाहिए। देखिए एजुकेशन फील्ड है और एजुकेशन यदि करप्ट हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश के भविष्य बेहतर ढंग से चल सकता है, और जो बच्चे होते हैं वही भविष्य के आने वाले समय को भविष्य होते हैं, और जो शिक्षक होते हैं वो भविष्य के निर्माता होते हैं। अब शिक्षक ही यदि फर्जी हो तो बच्चे कैसे होंगे, तो अब ये तो अलग बात है। लेकिन मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं लेटर लिख के इस पूरे चीज को उनके सामने रखूंगा कि इसकी जांच हो। और मैं तो अभी कुछ सुना कि अभी भी कुछ कमेटी वगैरह बन रहा है, जो अभी भाजपाई लोग हैं वही उस पर कब्जाए हुए हैं। अरे भाई, जो योग्य है, पार्टी कोई भी हो, जो योग्य है उस जगह पे बैठे, जो अच्छा काम करे, अब सचिव वो बने हुए हैं, यहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो बताइए वो क्या कर पाएंगे? अब दांत उखाड़ने वाला डॉक्टर किसी का नोडल पदाधिकारी बन जाए कोरोना के समय में, पता है आपको? एक है अपने सिवान के, हमारे भाई उसमें भर्ती था, अब पता है एक डॉक्टर से हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं इस बढ़िया इलाज हो रहा है, उसने डॉक्टर ने बताया कि दांत उखाड़ने वाला डॉक्टर आप ही के जिला का है, वो नोडल अधिकारी है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे बेहतर ढंग से इलाज हो? उस टाइम माननीय मंगल पांडे जी थे स्वास्थ्य मंत्री, तो यहीं के आपके रघुनाथपुर के एक है, हम नाम नहीं लूंगा मैं, दांत उखाड़ने वाले डॉक्टर हैं, वो नोडल पदाधिकारी लिए बोरा से पैसा भरने के लिए, बोरा में कसकस के लेके जाने के लिए। और भाई मेरा देहांत भी कर गया उस समय कोविड के समय में, तो ये तो स्थिति थी हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे, तो मैं बिल्कुल अच्छा, मांग करूंगा। इस मामले को कुछ लोकल न्यूज़ चैनल्स ने, यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने कुछ खबरें चलाई थी वहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार की जो खबरें आई उसको लेकर के, उनको भी एक तरीके से धमकी दी जा रही है कि उन पर ये लोग मुकदमा कर देंगे और एक मानहानि का केस करेंगे, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। आप सही काम कीजिएगा ना तो रोड़ा तो पैदा बहुत लोग होते हैं, बेहतर ढंग से काम कीजिएगा बहुत लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, तो हमें हर चीज़ में कोशिश करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा कि इस प्रकरण का बहुत जल्द रिजल्ट आए।